सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं आज सब रिंग के बारे में बात करता हूं इस वीडियो में। मैं रिंग का एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें से कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ये उसके बाद का वीडियो है सब रिंग। हम लोग रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, फील्ड के बारे में या उसका कुछ और थ्योरम वगैरह के बारे में पिछले कुछ वीडियो में देख चुके हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब रिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं सब रिंग का। सब रिंग क्या होता है? ये नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ये रिंग आर प्लस डॉट। आर प्लस डॉट ये कोई भी रिंग है और इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एस ले रहे हैं। इस एस को हम लोग कहेंगे सब रिंग। इस एस को सब रिंग कहेंगे। इस रिंग का अगर एस प्लस डॉट खुद एक रिंग हो जाए, इसको यहां समझिए, जैसे आर प्लस डॉट एक रिंग है और आर का ही हम लोग सबसेट लेते हैं, इस आर का ही सबसेट ले रहे हैं और इसमें वही बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं जो रिंग में था। रिंग में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन था, तो उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये खुद एक रिंग होना चाहिए। अगर ये रिंग हो जाता है तो इस रिंग को हम लोग कहेंगे सब रिंग ऑफ आर। तो यहाँ दो चीजें हैं, एस सबसे पहले सबसेट होना चाहिए और दूसरी चीज ये है नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ये जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग था ये आर, उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एस भी एक रिंग होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सबरिंग, सबरिंग ऑफ द रिंग आर। देखिए दो सबरिंग जो है आर का वो जरूर होगा। सबसे पहले किसी भी रिंग में जीरो एलिमेंट जरूर होता है, तो सिर्फ जीरो एलिमेंट से एक सेट बनाइए। ये एस हम लोग सिर्फ जीरो एलिमेंट कर लेते हैं और आप देखेंगे कि ये जो एस है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग हो जाएगा, क्योंकि आठ कंडीशन होता है टोटल रिंग के लिए, सभी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा, वो एस का मेंबर है। दूसरा एसोसिएटिव होगा, कम्यूटेटिव होगा और फोर्थ हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर जीरो खुद है, इनवर्स जीरो का इनवर्स जीरो ही होगा, जीरो को जीरो के साथ ऐड करने पर जीरो ही रहता है, तो इनवर्स भी है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया। साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी सेटिस्फाई करेगा, जीरो इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। और फिर एसोसिएटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये सिर्फ हम लोग जीरो लेकर के एक सेट बनाते हैं तो वो सेट जरूर एक सबरिंग बन जाता है। और किसका सबरिंग बनता है? आर सेट का। और खुद आर, आर अपने का सबसेट होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आर अपने का सबसेट होगा। और आर प्लस डॉट एक रिंग है, तो आर जो है वो भी एक सबरिंग होगा। तो दो सबरिंग किसी भी रिंग का जरूर होगा। द टू सबरिंग्स, एक आर प्लस डॉट और एक सिर्फ जीरो एलिमेंट लेकर के बनाते हैं, तो ये दो सबरिंग जरूर होगा ऑफ द रिंग आर प्लस। ये दोनों सबरिंग को कहेंगे इम्प्रोपर और ट्रिवियल सबरिंग ऑफ आर। इम्प्रोपर सबरिंग कहते हैं या ट्रिवियल सबरिंग कहते हैं। इसके अलावा, ये दो सबरिंग के अलावा अगर कोई भी सबरिंग मिलता है तो एनी सबरिंग अदर देन दिस टू सबरिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबरिंग ऑफ आर, नॉन ट्रिवियल सबरिंग ऑफ आर। तो देखिए नॉन ट्रिवियल सबरिंग का एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं यहां पर। ट्रिवियल का तो आप देख चुके हैं, प्रॉपर का, इंप्रोपर का देख चुके हैं कि आर और जीरो ये दो सबरिंग तो निश्चित रूप से होगा ही सभी का, तो इसको हम लोग इंप्रोपर कहते हैं। प्रॉपर सबरिंग के बारे में देखिए, आप जानते हैं इंटीजर का जो सेट होता है डॉट डॉट माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये सारे इंटीजर का सेट एक रिंग होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू जेड लेते हैं। टू जेड मीन्स क्या हो गया, सारा इवन नंबर ले लीजिए,
इवन नंबर आने की डॉट डॉट माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स डॉट डॉट ये खुद एक रिंग बन जाएगा। टू जेड जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं एक्सेप्ट इवन इंटीजर्स का वो भी एक रिंग बन जाएगा और इसी रिंग को हम लोग ये क्या कहेंगे सब रिंग। इस रिंग का ये सब रिंग हो गया। आप देख सकते हैं जो एट कंडीशंस होता है रिंग का वो सारे कंडीशन ये सेट जो है वो जरूर सेटिस्फाई करेगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये खुद एक रिंग बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सब रिंग। तो ये सब रिंग का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरम देखते हैं। अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर आर दिस टू कंडीशंस। देखिए क्या है कि एस हम लोग कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं। नॉन एम्प्टी सबसेट किसका ले रहे हैं आर का। तो ये जो सबसेट है वो सब रिंग कब होगा इस आर का इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर दो एलिमेंट एस का ले रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस भी एस का मेंबर होना चाहिए और अगर दो एलिमेंट एस का ले रहे हैं ए और बी तो दोनों का प्रोडक्ट भी एस का मेंबर होना चाहिए। अगर ये कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो जरूर एक सब रिंग हो जाएगा आर का। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मींस क्या हुआ अगर हम लोग मान लेते हैं कि एस सब रिंग है तो दिखाएंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है और अगर मान लेते हैं कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट तो दिखा देंगे कि वो एक सब रिंग है। तो पहले हम लोग सबसे पहले सपोज करते हैं नेसेसरी कंडीशन के लिए कि एस प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ आर। हम लोग मान लेते हैं कि एस जो है वो सब रिंग है तो दिखाना पड़ेगा कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे आप सेटिस्फाई करेगा चलिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। सिंस एस इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जब एस सब रिंग है तो सब रिंग तो एक ग्रुप भी होता है अबेलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है अगर बी एस का मेंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस बी भी एस का मेंबर होगा और एस जो है वो क्लोज है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि वो सब ग्रुप होता है ग्रुप हो जाता है। एस जो है सब रिंग है सबरिंग मीन्स रिंग है और रिंग मीन्स अवेलेबल ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो इसका मतलब वो क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो देखिए अब क्लोज है तो क्या लिख सकते हैं ए बिलोंग्स ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज अभी देख चुके हैं कि ए और बी अगर एस का मेंबर है तो माइनस बी भी एस का मेंबर होता है और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू एस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है। अब हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकेंड के लिए देखिए सेकेंड के लिए चूंकि एस जो है वो सबरिंग है तो रिंग का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रिंग का एक कंडीशन ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। तो सिंस यहां लिखेंगे एस इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस तो ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर एस को सब रिंग मानते हैं तो ये और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर ए बी एस का मेंबर है तो ए माइनस बी भी एस का मेंबर हो जाएगा और अगर ए बी एस का मेंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी एस का मेंबर हो जाएगा। तो ये हुआ नेसेसरी कंडीशन। अब फिर हम लोग सफिशिएंट कंडीशन लेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में मान लेंगे कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और दिखाएंगे एस को सब रिंग। अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में सपोज करते हैं कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए रिंग आर। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट मान रहे हैं रिंग आर का और वो उसमें मानते हैं कि ये दो कंडीशन होल्ड कर रहा है ए बी अगर एस का मेंबर है तो ए माइनस बी भी एस का मेंबर होगा और ए और बी अगर एस का मेंबर है तो उसका प्रोडक्ट ए इंटू बी भी एस का मेंबर है। अगर हम लोग दिखा देते हैं कि एस जो है वो रिंग है तो ये सब रिंग हो जाएगा। तो विल सो दैट एस इज ए रिंग। अब कैसे दिखाते हैं
रिंग दिखाने के लिए टोटल 8 कंडीशन इसमें दिखाना पड़ेगा कि अवॉइड करता है, 8 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला देखिए, सेंस ए ए कोई भी दो मेंबर हम लोग ले लेते हैं इसका। अब कंडीशन फर्स्ट से अगर इसका कोई भी दो मेंबर होता है तो उसका डिफरेंस भी उसका मेंबर होता है, तो ए और ए एस का मेंबर है, इंप्लाइज ए माइनस ए ये भी एस का मेंबर हो जाएगा, और ए माइनस ए मींस क्या हो गया कि जीरो, जीरो भी एस का मेंबर हो गया। ये कहां से हम लोग अप्लाई किए, कौन सा कंडीशन को, फर्स्ट को, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट। तो इससे हम लोग देखते हैं कि जीरो एलिमेंट जो है वो एस का मेंबर है, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब फिर आगे देखिए, जीरो बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस, फर्स्ट कंडीशन को ही अप्लाई करते हैं। दो एलिमेंट अगर इसका मेंबर है, दोनों का डिफरेंस भी इसका मेंबर होगा, तो दोनों का डिफरेंस आने की जीरो माइनस ए ये भी इसका मेंबर होगा, इंप्लाइज माइनस ए भी इसका मेंबर हो जाएगा। ये भी हम लोग फर्स्ट कंडीशन से ही लिखे हैं, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट। तो अगर ए कोई भी मेंबर अगर इसका लेते हैं तो माइनस ए भी इसका मेंबर हो गया, मतलब एडिटिव इनवर्स। तो दो चीज दिखा दिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दिखा दिए। अब फिर देखिए, ए और बी अगर एस का मेंबर है तो ए और माइनस बी भी एस का मेंबर होगा, क्योंकि अभी दिखा चुके हैं एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी अगर एस का मेंबर है तो माइनस बी भी एस का मेंबर होगा, और फर्स्ट कंडीशन को ही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन से ही दोनों का डिफरेंस ए माइनस ऑफ माइनस बी भी एस का मेंबर होगा, यानी कि ए और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी एस का मेंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहां पर तीन कंडीशन दिखाए हैं अभी। अब आगे बढ़ते हम लोग, यहां पर देखिए, अब यहां देखिए कि सिंस एस इज ए सबसेट ऑफ आर, एस जो है वो आर का है सबसेट है। आर ये मान लीजिए बिग वाला आर है और एस जो है उसका सबसेट है, तो जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर एस में वो किसका एलिमेंट होगा, आर का ही एलिमेंट होगा। और आर में एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है आर में, तो उसी का एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो इसमें भी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। तो वही लिख रहा हूं मैं, therefore commutativity and associativity of addition must hold in S since they hold in R। तो ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, therefore S plus is an abelian group, ये एक abelian group हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीन कंडीशन और दिखाएंगे। तो तीन कंडीशन में से मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि ए भी अगर एस का मेंबर है तो ए इंटू बी भी एस का मेंबर होता है। तो फ्रॉम कंडीशन टू ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब सिक्स कंडीशन हो गया, अब टू कंडीशंस बचा हुआ है। तो टू कंडीशंस क्या बचा हुआ है, अगेन एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन मस्ट होल्ड इन एस सिंस दे होल्ड इन आर। तो क्योंकि आर में एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है और एस उसी का सबसेट है, यानी एस में जो एलिमेंट है वो आर का ही एलिमेंट है कुछ, तो एस में भी जरूर डिस्ट्रीब्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है।
तो ये टोटल 8 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एस प्लस डॉट इज ए रिंग। जब रिंग हो जाएगा एंड हेंस, जब रिंग हो गया तो ये सब रिंग भी हो जाएगा, एंड हेंस एस प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ आर प्लस डॉट, क्योंकि एस सबसेट हो गया आर का और एस खुद एक रिंग आ गया, तो इसका मतलब एस जो है वो सब रिंग हो गया आर प्लस डॉट का। तो ये हो गया नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट कब रिंग होता है, सब रिंग होता है। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं रिंग का तो वो कब सब रिंग होता है, इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन हो गया। यही दो कंडीशन अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट में सेटिस्फाई कर देता है तो वो जरूर एक सब रिंग होगा रिंग आर का। तो चलिए ये थ्योरम कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज ए सब रिंग। कोई भी दो सब रिंग का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी एक सब रिंग होगा। जैसे लेट एस वन एस टू बी ए सब रिंग ऑफ योर रिंग आर। सपोज कर लेते हैं एस वन एस टू जो है वो कोई भी रिंग आर का दो सब रिंग है, तो दिखाना है कि एस वन इंटरसेक्शन एस टू ये भी सब रिंग होगा आर का ऑफ आर। तो दो सब रिंग अगर ले रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन भी आर का सब रिंग होगा, यही थ्योरम, यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अभी हम लोग जस्ट एक थ्योरम कर चुके हैं जिसमें था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट कब सब रिंग होता है, उसके लिए दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो वो सब रिंग होता है। तो यहां पर वही काम करते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज अ सब रिंग ऑफ आर इट इज सफिशियंट टू शो दैट, यही दो कंडीशन हम लोग दिखा देते हैं कि ए भी अगर एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर है तो ए माइनस बी को भी दिखा देंगे इसका मेंबर। ए भी अगर एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर है तो ए इंटू बी दोनों का प्रोडक्ट भी इसका मेंबर दिखा देंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है एस वन इंटरसेक्शन एस टू तो ये एस वन इंटरसेक्शन एस टू एक सब रिंग हो जाएगा आर का। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं चलिए देखते हैं इसके बारे में। लेट ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू इंप्लाइज, कोई भी हम लोग दो मेंबर ले लिए हैं ए बी, अगर एस वन इंटरसेक्शन एस टू का है तो इसका मतलब ए बी जो है वो एस वन का भी मेंबर होगा और ए बी जो है वो एस टू का भी मेंबर होगा। अब सिंस एस वन इज ए सब रिंग, एस वन तो एक सब रिंग दिया हुआ है, तो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू एस वन इंप्लाइज ए बी एस वन का मेंबर है। तो अभी जो थ्योरम पढ़े हैं उसके अनुसार ए माइनस बी भी एस वन का मेंबर हो जाएगा और ए इंटू बी भी एस वन का मेंबर हो जाएगा। फिर देखिए एस टू इज ए सब रिंग, एस टू भी एक सब रिंग है ऑफ रिंग आर, रिंग आर का है यहां पर भी ऑफ रिंग आर। तो जब ये एस टू भी सब रिंग है और ए और बी जो है वो एस टू का दो मेंबर हम लोग यहां पर लिखे हुए हैं, तो एस टू का दो मेंबर है तो थ्योरम से जो अभी जस्ट पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उससे ए माइनस बी भी एस टू का मेंबर होगा और ए इंटू बी भी एस टू का मेंबर होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या आ चुका है, जरा इसके बारे में समझिए कि ए माइनस बी भी एस वन का मेंबर है, ए माइनस बी भी एस टू का मेंबर है दोनों। तो दस हम लोग देख चुके हैं कि ए माइनस बी भी एस वन का मेंबर है, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी भी एस टू का मेंबर है, इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि ए माइनस बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर है, दोनों का एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट हो गया ए माइनस बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर होगा। फिर यहां से समझिए कि ए इंटू बी एस वन का मेंबर है और ए इंटू बी एस टू का भी मेंबर है, अगेन ए इंटू बी एस वन का भी मेंबर है और ए इंटू बी एस टू का भी मेंबर है, दोनों का मेंबर है कॉमन एलिमेंट है, तो इंप्लाइज ए इंटू बी एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर आ गया। तो क्या हम लोग दो कंडीशन दिखा दिए कि ए माइनस बी और ए इंटू बी, यहां पर देखिए ए बी हम लोग कोई भी दो मेंबर लिए एस वन इंटरसेक्शन एस टू का, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि ए माइनस बी भी एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर होगा और ए इंटू बी भी एस वन इंटरसेक्शन एस टू का मेंबर हो गया। तो देयरफॉर
S1 इन सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन होगा, देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सबरिंग, ये एक सबरिंग हो जाएगा ऑफ R। तो फ्रेंड्स ये दो थ्योरम और सबरिंग के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में आज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आप आए हैं तो इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरीके से मैं कुछ और भी वीडियो रिंग का अपलोड करते करूंगा, ये और भी मैथमेटिक्स के बारे में भी और भी वीडियो अपलोड करते रहूंगा। तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल MA क्लासेस, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।